वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार में एलडीसी के वैकेंसी के बारे में। सचिवालय की ये भर्ती है दोस्तों, आपको इसके बारे में हम पहले पुरानी जानकारी देंगे क्योंकि ये वैकेंसी 2006 की निकाली गई वैकेंसी है। इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों कि अब जो यहाँ पे नए तौर तरीके जो नए रूल्स लेकर आए गए हैं, उस नए सिरे से अब इसके निम्न वर्गीय लिपिकों की खाली पदों की वैकेंसी भरी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये आपका बिहार सचिवालय की तरफ से इसका रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर अभी अप टू डेट होंगे बिहार की नौकरियों से, तो सबसे ज़्यादा बिहार सचिवालय परिषद और बिहार विधानसभा, इसका जो रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है, बहुत ही जल्द इसका रिक्रूटमेंट जारी करके रिजल्ट भी एग्ज़ाम लेकर दे दिया जा रहा है बहुत ही जल्द, और ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है। तो आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी का जो सारा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो बिहार सचिवालय की तरफ से ही किया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे कि इस कौन सी वैकेंसी थी और अब इसे क्यों लेकर आया गया है। इस लेटेस्ट न्यूज़ को सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के साथ साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएँ, तो इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों एक यहाँ पे अपडेट दिया था मैंने कल पूर्वी मध्य रेलवे को लेकर। इस अपडेट में मैंने आप लोगों से सिर्फ सलाह मांगी थी आप लोगों से कि आप लोगों का क्या कहना है इस वैकेंसी को लेकर, है ना। तो जो कि वैकेंसी यहाँ पे ख़त्म की जा रही है, 3 लाख वैकेंसी लगभग ख़त्म की जा रही है। उसके बाद जो भी अपडेट आया है इसका, न्यूज़ अपडेट, वो मैं आपको नहीं लेकर आया हूँ यहाँ पे। पर इस अपडेट को लेकर यहाँ पे जो लोग कमेंट बॉक्स में गाली गलौज एक दूसरे को कर रहे हैं, या सरकार को कर रहे हैं, या मोदी जी को कर रहे हैं, या नीतीश कुमार को कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मत कीजिए आप लोग। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है बताइए, कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? किसी को गाली देकर या किसी से के साथ, यह एक कैंडिडेट थे यहाँ पे, वो दोनों आपस में ही खूब गाली गलौज किए, उनके कमेंट्स को मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ अपने माँ बहन को कर रहे थे। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग से सिर्फ सलाह मांगी गई थी, ना कि यहाँ पे गाली गलौज करने की बातें की जाती हैं। तो आप लोग अपने सलाह अच्छे दिया करें, क्या सुझाव हो सकता है सरकार को, तो सरकार को ही गाली देना शुरू कर देते हैं आप लोग। ऐसा मत कीजिए आप लोग, आप लोग फंस सकते हैं क्योंकि देखिए अभी डिजिटली बहुत इंडिया जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है, और आप लोग इस चक्कर में फंस जाएंगे तो आप लोग का करियर चौपट हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो गुस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में दिखलाएं और सही जगह वोट देकर अपने सही सरकार को चुनें ताकि वो आपके लिए काम करे, आपकी नौकरियों के लिए काम करे। चलिए अब हम लेकर चलते हैं इस न्यूज़ के ऊपर जो कि आज के इस खबर में आपको देने वाला हूं, बिहार अपकमिंग वैकेंसी को लेकर। दोस्तों इसके जरिए आज की खबर, दैनिक जागरण से ये खबर निकली हुई है कि नए सिरे से बनेगी निम्न वर्गीय लिपिकों की ये खाली पदों की सूची। आपको बता दें कि ये LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए पत्र भी भेज दिया है, और ये बहुत ही जल्द इसका रिक्रूटमेंट का नोटिस आ जाएगा। और ये जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर एज क्राइटेरिया से लेकर हर वो चीज़, ताकि मैं अपडेट कर सकूं आप सभी को। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है दोस्तों कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2006 के तहत निम्न वर्गीय लिपिक को, जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए बात हो रही है यहाँ पे, सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे सूची अब नए तरीके से होगी। तो नए तैयार किया जा रहा है इसका रोस्टर दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं। इस सूची में जो भी कैंडिडेट EWS कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग से जनरल कैटेगरी से आते हैं, और वो करीब 10% का आरक्षण का यहाँ पे भागीदारी, क्योंकि ये देखिए 2006 का वैकेंसी है, इसको रद्द किया गया था उस समय, और 2006 में EWS के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो आएगा ये वैकेंसी, इसमें EWS के लिए 10% यहाँ पे आरक्षण के लिए सीटें रखी जाएंगी। और दूसरी चीज़ें, जो भी कैंडिडेट OBC में आते थे उनका भी यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है कैटेगरी को, बिहार में EBC BC2 है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे नए नियम और यहाँ पे नए तरीके से यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी। बाकी SC ST के लिए सेम रहेगा, आपको जो रोस्टर उनका रहता है, उनका नियमावली जो रहता है, तब जाके ये वैकेंसी ये ली जाएगी। इसके लिए विभाग ने
सभी विभाग के अध्यक्षों को यहाँ पे पत्र भेज चुके हैं। दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों में दिसंबर 2018 तक ही रिक्त पदों की सूची कोटिवार आरक्षण के साथ मांगी थी। मालूम होना चाहिए आपको कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के लिए महिलाएं 35% क्षैतिज आरक्षण का व्यवस्था भी है। यानी कि जो फीमेल को यहाँ पे बिहार में 35% का आरक्षण मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती और जो भी उनके रिलेटिव होते हैं जिनको आरक्षण मिलता है उनको 2% का यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपको बता दें कि दिव्यांग कोटे से जो भी कैंडिडेट आते हैं यानी कि पीएच कोटे से उनको 4% जो है आरक्षण कोटे का यहाँ पे यानी कि रिजर्वेशन की बात की गई है सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे। और इस वर्ष 26 फरवरी से बिहार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षण संस्थानों के नामांकन के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसकी तैयारी कुछ इस तरह से चल रही है कि सबसे पहले जो आपका नियामोली है आपके कह सकते हैं दोस्तों कि जो कैटेगरी को लेकर है ना उसको तैयार किया जा चुका है और इसके लिए सभी जो भी विभाग के अध्यक्ष हैं उनको ये नोटिस भेज दिया जा चुका है। तो अब ये बहुत ही जल्द इन द सेंस कि मैं आपको बता दूं कि नवंबर में ही LDC का ये वैकेंसी आ जाएगा। जी हाँ, ये जैसा कि खबर बताया जा रहा है इन नए प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी पूरी अधियाचना को वापस लेते हुए सभी विभाग के अध्यक्षों को यह पत्र भेजा है और इसकी रिक्तियों की सूची भी नए सिरे से तैयार करने के लिए जो कि आरक्षण वाइज यहां पे कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिल सके उस पर 31 दिसंबर तक भेजने का आदेश दिया है। तो ये आपको बता दें कि 31 दिसंबर नहीं होगा, इससे पहले ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा। और बिहार में इलेक्शन आने वाला है और ये दिसंबर में इसकी वैकेंसी पूर्णतः ली जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका सारा चीज़ तैयार हो चुका है पर यहाँ पे जो आरक्षण का आधार रहेगा आपको 31 दिसंबर तक भेजना है सभी विभागों को, जहाँ से भी जितने विभाग का वैकेंसी आएगा अगर वैकेंसी अच्छी खासी रही तो ये इसको तुरंत दे दिया जाएगा नवंबर में ही, ये चीज़ आप पुष्टि कर लीजिए और ये बहुत ही जल्द वैकेंसी आ सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि इसमें इसके लिए सभी विभागों को एक फॉर्मेट भी भेजा गया है और यह जानकारी मांगी गई कि अनारक्षित पद पर कितने खाली पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग शीर्ष से जानकारी देनी है और जो PH कोटे के कैंडिडेट हैं उनकी भी सूची बनानी है साथ साथ जो कि विभाग को जानकारी देने की दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग जो है यानी कि जो मानसिक विकलांग है और मुख बाधिक एवं मनोविकार दिव्यांग जो भी PH कोटे से कैंडिडेट हैं कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में भी पूरा यहाँ पे डिटेल मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये आपको डेट यहाँ पे एक दिया गया है 31 दिसंबर टेंटेटिव है ये कि अब यहाँ 31 दिसंबर तक सारे जो वैकेंसी का लिस्ट है वो पहुँचाया जाए। पर ये देखिएगा नवंबर मिडिल ऑफ नवंबर यानी कि 15 से लेकर 20 तारीख तक के बीच में इसका नोटिफिकेशन आएगा, पक्का आएगा क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने इसके बारे में पता भी किया था तो जहां तक मुझे लगता है कि इसकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। अब देखिए आप लोग इस पर कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि आपको कैसे पता कैसे जानते हैं आप लोग। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग घुसे हुए हैं एक्चुअली कि सारी डिटेल पता करें ताकि आप लोगों तक सही खबर पहुँचा सकें। तो जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगा ऑफिशियली हम आप तक सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। और आपको तो पता है मैंने कितनी बार प्रूफ भी कर चुका हूँ इस चीज़ को लेकर कि जो वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं यहाँ पे कि सर ये तो फेक है ये नहीं आएगी वैकेंसी, और उस वैकेंसी के बारे में जब मैंने बताया दोबारा कि ये आ चुकी है आप लोग भरिएगा तो आप लोगों के सामने मैंने प्रूफ भी दिया है इस चीज़ का। तो खैर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ पर इस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार करता हूँ पहले कि आप लोग तैयार रहें, किसी भी हालत में कोई वैकेंसी आ सकती है क्योंकि देखिए इलेक्शन है यार सबसे बड़ी चीज़ है। और इस बहती हुई गंगा इलेक्शन में अगर आपने अपना हाथ नहीं धोया तो समझ लीजिए कि आप बेरोजगार ही रह जाएंगे फिर अगले 5 साल के लिए। तो कोशिश कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और लड़ते रहिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अपना बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल YT एजुकेशन पे जाके हमें सब्सक्राइब करें, वहाँ पे पर डे आपको
बिहार दरोगा से रिगार्डिंग 100 MCQs के क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर का भी सिनेरियो मॉर्निंग आवर में दिया जा रहा है सुबह के। आज वो सिनेरियो नहीं आ पाया है, थोड़ा लेट आएगा आपको 100 MCQs का बिहार दरोगा के लिए, तो आएगा अपने उस चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।